आज तो इसने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। चलो चलो यार ऐसे बहुत मजे हुए। चलो यार अपनी जिप तो बंद कर ले, फिर से लेगा क्या। चुप्पे साले, चलो यहाँ से। इससे पहले क्यों आए, फटाफट यहाँ से निकलते। चलो 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 चलो। तरस आ रहा है, बुरा लग रहा है मुझे देखकर। मदद करना चाहते हो? मैं क्या फर्क पड़ता है, हजारों बार मिलकर भी भूल चुके हो मुझे। मगर मैं नहीं भूली, कैसे भूलूं? आपकी ये निशानियां धुलती ही नहीं। ओह कम ऑन, इतने शॉक मत दिखो। ऑफ कोर्स आपकी निशानियां हैं, आपकी संस्कृति और समाज ने दी है ये मुझे। ओह यू थिंक रेप इज रॉन्ग इज इट? Why do you think rape is wrong? Rape इसलिए गलत है क्योंकि लड़की की इज्जत लूट जाती है, तो इसका मतलब सेक्स वर्कर का तो रेप हो ही नहीं सकता ना? क्योंकि रेप तो सिर्फ उसी का हो सकता है जिसके पास आपसे मिला हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, the two finger test to establish the rape of a virgin. If two fingers slide in easily, then she's been having sex anyway, so she probably enjoyed it. मेरा रेप मत करो क्योंकि औरत माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, आपकी कुछ होती है। तो मतलब आपको इस बात से तकलीफ नहीं है कि आपकी माँ बहन बेटी की इज्जत लूट जाएगी? आपको इस बात से तकलीफ है कि आपकी माँ आपकी बहन आपकी बेटी की इज्जत लूट जाएगी? रेप इसलिए मत करो ताकि आपकी अपनी इज्जत ना लूट जाए। मतलब मेरे शरीर की सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी इज्जत इंपॉर्टेंट है। भर्तों को इतना बीमार और अपाहिज क्यों बनाया जाता है कि किसी की मर्जी का सम्मान करना, किसी की कंसेंट समझने की बात इनके पल्ले ही नहीं पड़ती? इनकी पैंट की जेब बंद रखने के लिए इन्हें मां की याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? आंटी जी, आप मेरी हर बात पे इतना हामी क्यों भर रहे हो? आप औरत हो तो आप जिम्मेदार नहीं हो? आपने मेरी प्रोस्टाइप ठीक की थी ना? कहा था हुक सिलवा लो, प्रास्ट्राप नहीं दिखेगी। टांगे फैला कर मत बैठो, छाती निकाल कर मत बैठो, इतना मत हंसो, फेसबुक पर फोटो मत डालो। आपने सिखाया इन रेपिस्ट को कि जो लड़की डर और शर्म में ना रहे उसका रेप आज नहीं तो कल, वो नहीं तो कोई और कर ही देगा। आपने किया ये मेरे साथ आंटी, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, अपनी खुद की बेटी के साथ। क्या आपने कभी उससे सेक्स के बारे में बात की है? नहीं ना, क्योंकि अगर सेक्स के बारे में बात करेंगे तो लड़कियां कहीं अपनी मर्जी से सेक्स ना करने लग जाए, क्योंकि सेक्स तो सिर्फ माँ बाप की सर्टिफिकेट से होना चाहिए, हाँ, जिसके वैलिडेशन के लिए आप सबको बुलाया जाता है। इसी प्रोसेस को शादी कहते ना आप लोग? मतलब आप लोगों ने मैरिटल रेप भी बनाया है।
मैंने शादी कर ली तो अब मेरा पति जितना चाहे मेरी टांगे फैलाकर मुझ में मैस्टरबेट कर सकता है। इट्स अ पार्ट ऑफ मैरिज लाइफ, क्योंकि बच्चे कहां से होंगे। हजारों बच्चों का रेप होता है हर महीने, अगर आपके बच्चे का तो नहीं हो रहा ना, तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं हो रहा ना आपके बच्चे का रेप, श्योर ना? अरे कभी उनसे बात करके तो देखो, तब पता चलेगा कि उसके चाचा या मामा या भाई या बहन या मासा या मासी या तक कि उसके बाप ने भी उसके साथ। अगर रेप को मान और पवित्रता से ना जोड़ते आप लोग, तो ये मन के घाव भी शरीर के घाव के साथ भर जाते। अगर जिंदगी भर का दर्द आप लोग बनाते हैं रेप को, रेपिस्ट आप बनाते, इसलिए रेप आप करते। मैं हूँ शीतल भान खेर। आई वॉज 7 years old when I was raped for the first time. So there, Jordan. I was gang raped near Park Street. I got justice after my death. I'm Imrana. मेरे ससुर ने मेरा रेप करके मुझे अल्लाह की नजरों में अपनी बीवी बना दिया था। हरीश अय्यर. I was raped in gang rape for 11 years before I could finally say no. It started when I was 6 and I'm a man. Sony Suri. मेरे वजाइना से मेरे पेट तक 3 बड़े पत्थर भर दिए गए थे मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स देने के बाद। Sunita Krishna. I was gang raped by 8 men when I was in a literacy camp for Dalits. I was 15. Priyadarshini Mattu. I was raped, strangled with an electric wire and my head smashed unrecognizable with a helmet. It took me 10 years to get justice. I'm Soumya, Anjana Mishra, Sheetal Jain, Bhavri Devi, Scarlet Keeling, Anura Shanbhag, Jyoti. पता है मुझे फिर भूल जाओगे, कोई बात नहीं, कल अखबार खोलना वही मिलूंगी मैं। कल फिर कोई ना कोई रेप होगा, मगर इज्जत, इज्जत कल फिर आपकी लुटेगी। भारत माँ की जय। बेचारे भारत को भी माँ बनना पड़ा, वरना आप लोग तो